आज हम सीखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के द्वारा घन यानी कि क्यूब निकालना। हम इसमें दो संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे जो कि एक से शुरू होती हैं। इसमें मैं आपको चार पार्ट्स में क्यूब निकालना सिखाऊंगी। इसमें हम पहले तो उन संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे जो कि एक से शुरू होती हैं, यानी कि 11, 12, 13 से लेकर 19 तक। और उसके बाद हम पार्ट टू में देखेंगे एक पर अंत होने वाले, यानी कि 21, 31, 41 से लेकर 91 तक। उसके बाद पार्ट थ्री में मैं आपको बताऊंगी दोनों समान संख्याएं, जैसे कि 22, 33, 44 से लेकर 99 तक। और पार्ट फोर में हम देखेंगे सभी अलग अलग, जैसे कि 25, 32, 44, सॉरी 48 वगैरह। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं 11 की, जो कि एक से शुरू होती है। तो हम 11 का क्यूब निकालेंगे। इसमें हम पहले तो दोनों संख्याओं को, पहली और दूसरी दोनों संख्याओं को वैसे का वैसा लिखेंगे। पहले एक लिखा, फिर एक लिखा, उसके बाद एक का हम स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद एक का क्यूब लिखेंगे, जो कि एक एक ही होता है। उसके बाद हम तो पहली और अंतिम संख्या का छोड़कर बीच की दो संख्याओं का दुगना करेंगे। तो एक का दुगना 2 और फिर एक का दुगना 2। अब इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स हम, तो एक का एक, 1 और 2 3, 1 और 2 3, उसके बाद 1। तो देखिए हमारा कितनी आसान ट्रिक के साथ हमने क्यूब निकाला है और जो हमारा 1331 आया है। उसके बाद हम फ्रेंड्स अगली संख्या यानी कि 12 का क्यूब निकालेंगे। इसमें भी हम वही सब दोहराएंगे, पहले पहली संख्या लिखी, फिर दूसरी संख्या लिखी, फिर दूसरी संख्या का यानी कि अंतिम संख्या का स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। अब इसमें भी हम पहली और अंतिम संख्या को छोड़कर बीच की दो संख्याओं का दुगना करेंगे। 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4। उसके बाद फ्रेंड्स हम इसको जोड़ेंगे, तो 8 का 8, 8 और 4 12 के 2, हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, और 1 का 1, तो हमारा आंसर आएगा 1728। इसके बाद हम 13 का निकालेंगे फ्रेंड्स। इसमें भी पहली संख्या और बात की संख्या को वैसे का वैसा लिखेंगे। पहले हमने 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर अंतिम संख्या का स्क्वायर 9, उसके बाद अंतिम संख्या का क्यूब 27। उसके बाद पहली और आखिरी संख्या को छोड़कर बीच की संख्याओं का दुगना करेंगे। 9 का दुगना 18, 3 का दुगना 6। पहली और अंतिम संख्या, अब सारी संख्याओं को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, 27 का 7, हासिल के 2, 9 और 18 27, 27 और 2 29 के 9, हासिल का 2, 3 और 2 9 और 3, सॉरी 3 और 6 9, 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आएगा 2197। इसके बाद हम 14 का क्यूब निकालेंगे। 14 के क्यूब में हम पहले पहली संख्या और बाद की संख्या को वैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का क्यूब। पहली और अंतिम संख्या को हम छोड़कर बीच की दो संख्याओं का दुगना करेंगे, जिसमें हमारा 16 का दुगना 32, 4 का दुगना 8। उसके बाद फ्रेंड सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, 64 के 4, हासिल के 6, 16 और 32 48, 48 और 6 54, 54 के 4, हासिल के 5, 8 और 4 12 के 12 और 5, 17 के 7, हासिल का 1, 1 और 1 2। तो 2744 हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड देखा आपने कितनी आसानी तरीके के साथ हमने सारे क्यूब निकाले। इस तरह ही हम 11 से लेकर 19 तक निकाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे की सीरीज़ में पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम आगे के क्यूब निकालना सीखेंगे।